प्रसिद्ध है हरियाणा में। 70+ सीटें हैं जी, प्रचंड बहुमत के साथ हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे, बिल्कुल होंगे जी। भूपेंद्र, भूपेंद्र और कोई नहीं, ओनली भूपेंद्र। नहीं, लोग कह रहे हैं कि बाहर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें दीपेंद्र जी का पोस्टर बड़ा है चेहरा, भूपेंद्र जी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। सांसद हैं हमारे, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद हैं, पूरे हिंदुस्तान में युवाओं की आवाज है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उनका पोस्टर तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, उनका पोस्टर तो लगेगा। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह। ऐसा नहीं है ना कि चेहरा की अभी शुरू का 1-1.5 साल भूपेंद्र जी मुख्यमंत्री बने फिर दीपेंद्र जी को बनाने की बात नहीं, 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 बीजेपी की, ये बीजेपी की परंपरा है, कभी खट्टर बना दिया, कभी नायब सिंह सैनी बना दिया, ये परंपरा यहाँ नहीं है। अच्छा, हर बार आप लोग एग्जिट पोल पर सवाल उठाते थे कि एग्जिट पोल जो है वो एक तरफा दिखाता है, इस बार के एग्जिट पोल पर आप लोगों की क्या राय है? अब की बारी में अब दिखाने लग गया, नहीं तो गोदी मीडिया ही चल रहा था, अब दिखाने लग गया, ये पहले गोदी मीडिया ही चल रहा था, ये माहौल बनता गया, आप लोग अब दिखाने लग गए। हाँ, अब की बार भी देखना 75 पार होंगे। अरे अभी तो 2005 में लोग कह रहे थे कि 67 सीट ही आई थी सबसे ज्यादा, अब की बार 75 पार है। ऋषिकेश, आपको रोक रहा हूँ, 8:50 हुड्डा साहब गिनती शुरू हो रही है। ऋषिकेश रुकिए, आपके पास लौटूंगा। वोटों की गिनती हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह अब शुरू हो चुकी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 7:30 बजे जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई थी, इस बार आधा घंटा पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट खुले हैं और हरियाणा में अब पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हो गए हैं। 8:30 बजे ईवीएम इसके आसपास हरियाणा में खुलेगी, जबकि अब जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलना शुरू हो रही हैं, क्योंकि J&K में आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है और अब ईवीएम का नंबर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह आज सियासी माहौल अपने चरम पर है। आप जानते ही हैं, हरियाणा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के पास बहुत कुछ साबित करने के लिए है, बहुत कुछ प्रूव करना है बीजेपी को, जबकि जम्मू कश्मीर में स्थानीय पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस भी यह साबित करने पर तुली है, आमादा है। उसका चैलेंज है ये, उसे यह दिखाना है कि बीजेपी 370 हटाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में नाकाम है, जबकि बीजेपी दिखाना चाहती है 370 हटाने के बाद उसने कश्मीर घाटी का पूरा माहौल बदल दिया है, सियासी माहौल भी बदल दिया है। थोड़ी देर में पता चलेगा, आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जम्मू कश्मीर के रुझान आने बस कुछ ही पलों में शुरू हो जाएंगे। यहां न्यूज 24 की स्क्रीन पर आप ऊपर हरियाणा के रुझान देखेंगे और मेरी बाईं तरफ जम्मू कश्मीर के, कहीं मत जाइएगा, चाहे आप टीवी देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, आप जानते ही हैं चुनाव मतलब न्यूज 24। मेरे साथ यहां विजय त्रिवेदी आ गए, शीतल जी आ गए, और शीतल जी और विजय त्रिवेदी आप जानते ही हैं, दशकों की पत्रकारिता करने के बाद अपने राजनीतिक विश्लेषण से, अपने सटीक अनुमानों से आपको लगातार अवगत कराते आए हैं, आपकी जानकारी बढ़ाते आए हैं, कई बार मेरी भी जानकारी बढ़ाते आए हैं, हम खुद सीखते हैं विजय जी से और शीतल जी से। तो विजय जी और शीतल जी, एक एक कमेंट छोटा छोटा, क्योंकि काउंटिंग अब शुरू हो गई है। विजय जी, आज सुबह कल शाम के बाद से कुछ बदला है आपके मन में या अभी भी वही है जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों में लेके? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, हरियाणा में तो कोई खास बदलाव दिख नहीं रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब क्या NC कांग्रेस इतनी आगे पहुंच सकती है कि हंग असेंबली से आगे निकल जाए, इसके अलावा मुझे बहुत बदलाव नहीं लगता। जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो नॉन NC कांग्रेस और PDP है, उसमें से ज़्यादातर लोग अब भी मुझे लगता है बीजेपी के साथ जाएंगे। राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा होगा विजय जी? राहुल गांधी जी को तय करना कि ये फिर कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा झगड़ा नहीं हो, कोई नया सचिन पायलट, कोई नया ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार ना हो। ये बड़ी बात कह दी विजय जी ने कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना भी लेती है तो भी इस बात को लेकर चैन से नहीं बैठ सकती। शायद राहुल गांधी के मन में या हुड्डा जी के मन में ये चल रहा होगा कि कहीं कोई ऑपरेशन लोटस सरकार बनाने के बाद भी हरियाणा में शुरू ना हो जाए। शीतल जी, आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल सही होंगे? एग्जिट पोल दिशा जो उन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है वही नतीजों में आना चाहिए।
दिशा के लेवल पे, संख्या के लेवल पे हमेशा फर्क आते रहते हैं, इस बार भी ऐसा होगा क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं, एक होती तो फिर बात भी की जाती। लेकिन शीतल जी, हरियाणा में आप गए थे, हरियाणा आप जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो आपका असेसमेंट अगर मैं दोनों के बारे में अलग अलग पूछूं, कुछ सीटों के हिसाब से आप प्रोजेक्शन दे सकते हैं या मोटा मोटा? मुझे लगता है कांग्रेस को हरियाणा में 50 से कम सीटें नहीं मिलनी चाहिए, इतना सुरक्षित तौर पर कहा जा सकता है। और एनसी और कांग्रेस का अलायंस परसेंटेज ऑफ वोट्स में बीजेपी से बहुत आगे है कश्मीर में, लेकिन अब सीटों में वो कितना कन्वर्ज होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, न्यूज 24 पर हरियाणा चुनाव के पहले रुझान, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे निकल गई है, बहुत ही शुरुआती रुझान क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हरियाणा में शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के रुझान भी बस आते ही होंगे, जम्मू कश्मीर थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इतना बता दूं आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती जम्मू कश्मीर में पहले ही हो चुकी है, लेकिन हरियाणा बहुत फास्ट, क्योंकि जाहिर है दिल्ली और नोएडा, नोएडा जहां फिल्म सिटी में हम लोग बैठे हुए हैं, सारे न्यूज चैनल के दफ्तर और स्टूडियो यही हैं, यहां से हरियाणा करीब है, इसीलिए हरियाणा के रुझान शायद जल्दी आ गए। 4 सीटों पर कांग्रेस आगे निकल गई है और बीजेपी, INLD, JJP, अदर्स फिलहाल उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। आसिफ भी मुस्कुरा रहे हैं जब मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर दिल्ली से थोड़ा दूर है और हरियाणा यहां नोएडा से थोड़ा करीब है, इसीलिए हरियाणा के रुझान पहले आ गए। संजीव त्रिवेदी भी आज स्टूडियो में आ गए। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे निकल गई है, बिल्कुल शुरुआती रुझान न्यूज 24 पर हरियाणा चुनाव के। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 0, INLD 0, JJP 0, अदर 0। यहां जम्मू कश्मीर के रुझान भी शुरू, 4 सीटों के रुझान आ गए, बीजेपी 2 सीटों पर आगे, जाहिर है दोनों सीटें जम्मू की होंगी, कांग्रेस और एनसी एक एक सीट पर आगे, 4 सीटों में से 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 एनसी, और कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, इसीलिए आप 2-2 फिलहाल दोनों ने खाता खोला 2-2 के साथ। संजीव त्रिवेदी, क्विक कमेंट संजीव, आपके हिसाब से, क्योंकि आप हरियाणा और जेएनके दोनों गए थे, कॉफी एग्जिट पोल सही होंगे? संजीव देखिए, डरे डरे से हैं ये एग्जिट पोल, इतना तो कोई बिना एग्जिट पोल के भी बता सकता है जो एग्जिट पोल के जरिए बताया जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जेएनके में जो इलेक्शंस हुए हैं 370 के स्क्रैपिंग के बाद, ये हिस्टोरिक होंगे, रिजल्ट्स अपने आप में ये इतिहास रचेगा, और हरियाणा में बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है। ओके, कांग्रेस 7 सीटों पर हरियाणा में आगे निकल गई है, 7 सीटों के रुझान हमारे पास, हरियाणा में 90 सीटें हैं, याद रखिए 46 सीटों पर कांग्रेस सरकार बना सकती है, हरियाणा में कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है 46 सीटों पर, हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं, हालांकि वहां 5 मनोनीत सदस्य अगर जोड़ दिए जाए तो बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाता है, लेकिन फिलहाल हरियाणा पर नजर रखिए, बहुत तेजी से रुझान आ रहे हैं। हरियाणा में 10 साल की बीजेपी की सरकार है, 9.5 साल के बाद बीजेपी ने सीएम बदला, ऐसे में अब आखिरी 6 महीने में क्या नायब सिंह सैनी बीजेपी की सरकार में वापसी करवा पाएंगे? एग्जिट पोल कह रहे हैं नहीं, ये एग्जैक्ट पोल कह रहा है कांग्रेस शुरुआत में आगे, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बीजेपी 0, INLD और BSP का गठबंधन है, आप जानते ही हैं, JJP और ASP आजाद समाज पार्टी का भी गठबंधन, का भी उनका भी गठबंधन है, लेकिन उनका भी खाता नहीं खुला। कांग्रेस 10 पर आगे, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे निकल गई, 10 सीटों पर कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। अभी देखिए सिर्फ 8:07 हुए हैं ये शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के आए हैं, ईवीएम खुलेगी 8:30 के आसपास, लेकिन पोस्टल बैलेट विजय जी आमतौर पर माना जाता है रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ फौजी ज्यादा होते हैं उसमें, तो उनका ये भी अगर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं क्या इशारा कर रहा है? एक तो जो चुनावों में अग्निवीर वाला जो मसला रहा था, पहलवान, जवान और किसान, तो वो यदि असर करता है तो उसका असर दिखाई देगा। ये कि भाई फौजी और जो सरकारी लोग हैं वो भी आज कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर एक बात मुझे याद आई, जब नतीजे तो जब शुरू होंगे तब होंगे, वाजपेयी जी कहा करते थे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से कश्मीर के दिल की दूरी कम हो। हाँ समझे, तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है सरकार किसी की बने, वो कहते थे कि दिल की और
दिल्ली की दूरियां कम होनी चाहिए। हाँ। अब वो एक्सरसाइज कितनी होती है सरकार बनने से ज्यादा, जैसा अभी संजीव भी कह रहे थे कि वहां चुनाव हुए, बड़े अच्छे से लोगों ने रेस्पॉन्स किया, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हाँ। लोग निकल कर आए हैं ज्यादातर पार्टियां, अभी चुनावों से पहले तो हमें लग रहा था कि कुछ लोग बायकॉट करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ा बेहतर फैसला किया सभी लोगों ने कि चुनाव में हिस्सा लिया है। बिल्कुल सही बात है, और ये पूरे देश की जीत तो है, कश्मीर की भी जीत कहिए इसे, सबसे बड़ी जीत तो कश्मीर जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि वहां के लोगों को आखिरकार खुलकर बिना किसी बॉयकॉट के बिना किसी डर के अपना वोट डालने का अधिकार मिला है। वरना याद करिए जब भी पहले चुनाव होते थे बॉयकॉट का कॉल हो रही था और बहुत सारे दल दे देते थे, बहुत सारे लोग डर के घरों से वोट डालने निकलते नहीं थे। इस बार कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं है, हुर्रियत के सारे नेता जेल में हैं, आतंकवादी या तो ऊपर हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे में खुलकर अगर जम्मू कश्मीर के लोग अपना वोट डाल पा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये पूरे देश की जीत है, जम्मू कश्मीर की जीत है। लेकिन चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी पता लगना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। यहां देखिए जम्मू कश्मीर में 7 सीटों के रुझान, बीजेपी 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 और कांग्रेस 1। ऊपर देखिए लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे, बीजेपी 3 पर आगे है, 15 सीटों के रुझान मेरे पास हैं, 12 और 3 पोस्टल बैलेट में, 12 और 3 का यह आंकड़ा शुरुआती 10 मिनट की गिनती में क्या इशारा करता है? संजीव कोई कमेंट? पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे, देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और बहुत ज़्यादा इससे आप कोई इम्प्रेशन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, थिंग्स मे चेंज, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि हरियाणा में, जहाँ तक सवाल है हरियाणा में, ये जो पोस्टल बैलेट्स वाला हिसाब किताब है ये ज़रा कम असर दिखाएगा आपको। जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट्स बहुत मैटर करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो वोट्स बाहर से करने वालों की संख्या है, तादाद है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हम लोग थोड़ा और इंतजार करें एक राय बनाने के लिए, अभी इस पर लगता है थोड़ा अर्ली है। ओके, न्यूज 24 पर चुनाव के नतीजे लाइव देख रहे हैं आप, सीधे हमारे स्टूडियो से और ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे पास रुझान आ रहे हैं और इन रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ये देखिए कितना आगे, 16 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 5 पर और INLD अब 1 सीट पर आगे निकल गई है। INLD की ये कौन सी सीट है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। कांग्रेस 16, बीजेपी 5, INLD 1। राजीव रंजन, राजीव आप तो हरियाणा में खूब घूमे, पोस्टल बैलेट में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की ये बढ़त, कुछ इसमें पढ़ना चाहिए? देखिए मानक ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं बहुत 2-4 बार काउंटिंग एजेंट्स के तौर पर कैंडिडेट्स के काम किया हूँ, मुझे मालूम है कि इस वक्त सिर्फ चाय पीने के अलावा दूसरा कोई काम होता नहीं है। कहीं कहीं जो लोग बहुत तेज काम करते हैं वो पोस्टल बैलेट 10-20-50-100 एक जगह इकट्ठा कर लेते, तो अभी जो ये है अभी पोस्टल बैलेट भी पता नहीं गिना जा रहा है कि नहीं, आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर में जैसा संजीव जी कह रहे थे, वैसे वहाँ भी जम्मू कश्मीर के पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का दिल्ली में 3 जगह वोटिंग का इंतज़ाम था और कश्मीरी पंडित दिल्ली में भी टर्न अप नहीं हुए और ज़्यादातर मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा हमने नोटा पे दिया, तो उनका कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कि कोई नुमाइंदा जो उनका चुना जाएगा कश्मीर में तो उससे उनका क्या कनेक्ट है, न वो जानते हैं न देखा है न कोई मतलब है न वहाँ जाना है, तो इसलिए पोस्टल बैलेट में जो कर्मचारी सरकारी हैं उनकी बात तो अलग है। तो अभी जो हरियाणा की 1 सीट INLD कह रहे हैं तो 1 ही सीट है एलनाबाद, सबसे ज़्यादा हरियाणा में वोटिंग 80% से ज़्यादा एलनाबाद सीट पर हुई है, अभय चौटाला वहाँ है, ये रुझान जो है वो लग रहा है उसी सीट का होगा, या डबवाली 1 सीट सिरसा में और है, वहाँ पर भी INLD के कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे हैं, तो यही 2-3 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, 21 कांग्रेस पार्टी 21 पर पहुंच गई हरियाणा में, 90 में से 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में शुरुआती रुझानों में बढ़त बना रही है। बीजेपी सिर्फ 6 पर है, 3.5 गुना ज्यादा सीटें फिलहाल कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाकर उन पर कब्जा जमाकर फिलहाल शुरुआती रुझानों में बैठ गई है। जम्मू कश्मीर में भी देखिए कांग्रेस और NCP मिलकर 11 सीटों पर आगे हो गए, PDP भी जोड़ लीजिए तो 12 हो गया, क्योंकि PDP पहले ही कह चुकी है समर्थन पर फैसला नतीजों के बाद करेंगे। बीजेपी 4 पर है, 12 इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में अगर बनता है तो, 4 पर बीजेपी आगे, 2 पर अदर्स, 90 में से 18 सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर के हमारे पास हैं। अब कांग्रेस 32 पर हरियाणा में पहुंच गई है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर आगे शुरुआती रुझानों में, बीजेपी सिर्फ 9, INLD 2 और बाकियों का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां INLD को छोड़ दें तो क्या कुछ कर पाएंगी? शुरुआती रुझान कहते हैं ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस बार
ऐसा लग रहा है सारा का सारा हरियाणा का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में सिमट गया था। शीतल जी, आपको भी ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस का ये मुकाबला है? नहीं, बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है। बहुत थोड़े से हिस्से में जो अन्य लोग हैं उनका प्रभाव क्षेत्र नजर आएगा, बहुत कम सीटों पर। आमने सामने का मुकाबला है। वातावरण इस तरह का था कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कर्मचारियों में और जो लोग नौकरी करते हैं बाहर सेना वगैरह में, उनके एक बड़े संवर्ग में आप कह सकते हैं जो वर्तमान सरकार थी उसके खिलाफ नाराजगी साफ पल्पेबल थी। कल ही वहाँ रोडवेज की बसों पे जो पुराने पोस्टर पिछली सरकार के लगे थे वो नोच नाच दिए गए थे, तो सब चेंजेस वहाँ हैं लोगों के बीच, पल्पेबल था, ये सब दिख रहा था। ओके जी, 34 शुरुआती रुझान में 90 में से 34 सीटों पर कांग्रेस आगे, 8 पर बीजेपी आगे। और जम्मू कश्मीर का आंकड़ा भी देखिए बहुत तेजी से बदल रहा है। बीजेपी 8 पर है तो कांग्रेस और एनसी अब 16 हो गया, 6 कांग्रेस 10 एनसी 2 पीडीपी, यानी कुल मिलाकर 18 सीटें अब इंडिया गठबंधन की जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रही है। प्रदीप भंडारी, प्रदीप तो इस तरह के कई चुनाव देख भी चुके हैं, करीब से कई बार पोल भी कर चुके हैं। प्रदीप बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रदीप, शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी निकल गई बहुत आगे दोनों जगह, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? मानक जी, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप जो इस वक्त आप इनिशियली दिखा रहे हैं, पहले तो ये बहुत इनिशियल ट्रेंड्स हैं और किसी भी नतीजे को 10 बजे के बाद में स्टेबलाइज होते हुए हमें देखना चाहिए। पर अगर मैं इसको ही आगे प्रोजेक्ट करूं और देखूं तो मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे कि इनिशियली आप भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें दिखा रहे थे, जो ट्रेंड्स थे कम सीटें थे, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर उस मैं नंबर को देखूंगा भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा है। तो ये अगर मोमेंटम बनता है तो हम और आगे जम्मू कश्मीर के अंदर बनेंगे। हमें आश्वस्त है हम कि जम्मू कश्मीर में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आएंगे। बात करें हरियाणा की, 10 बजे के बाद तक इंतजार करिए, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि इन स्टेट्स के अंदर पोस्टल बैलेट जो होता है वो कांग्रेस की तरफ में होता है। अगर आपको याद होगा छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पोस्टल बैलेट था और जब 11 बजे के बाद में जब नतीजे स्टेबलाइज होना शुरू हुए तो भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो मैं हरियाणा पे 11 बजे तक जो है आपको कहूंगा कि वेट एंड वॉच करिए, नतीजे बदलते हैं। और बात रहे जम्मू कश्मीर की, मैं मोमेंटम देख के काफी खुश हूं। ओके, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं अभी देखते जाइए, पिक्चर बाकी है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 38 सीटों पर आगे, 46 सीटों का बहुमत है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इनिशियल ट्रेंड्स में 38 पर पहुंच गई है, 38 पर, बीजेपी सिर्फ 7 पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल हरियाणा में कोई मुकाबला दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बार फिर से जैसा प्रदीप भंडारी कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, अभी कुछ देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट खुले हैं और उनकी गिनती भी बहुत स्लो होती है। जब तक ईवीएम नहीं खुलता तब तक इन ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स हैं इसीलिए दिखाना भी जरूरी है। 38 सीटों पर 90 में से कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे, बीजेपी 7 पर, INLD 2 पर अब एक हो गया, बीजेपी 9, 36 कांग्रेस। उधर जम्मू कश्मीर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीजेपी 12, देखिए जैसा प्रदीप कह रहे थे, और बीजेपी जम्मू में जैसे जैसे बढ़त बनाएगी वैसे वैसे उसका आंकड़ा बढ़ता जाएगा। कांग्रेस और एनसी का ज्यादा आंकड़ा कश्मीर से आएगा। बीजेपी 12, कांग्रेस और एनसी अब हो गया 22 और पीडीपी 2। पीडीपी को आप कांग्रेस और एनसी के आंकड़े में जोड़ते चलिए, क्योंकि पीडीपी पहले ही कल इशारा कर चुकी है। इल्तिजा मुफ्ती ने पहले ही ट्वीट करके बोल दिया था कि हम सेक्युलर फ्रंट को समर्थन देने पर नतीजों के बाद विचार करेंगे। विनेश फोगाट आगे चल रही है, जुलाना से विनेश फोगाट आगे, कैथल से जूनियर सुरजेवाला भी आगे चल रहे हैं। विनेश फोगाट आगे अपनी सीट पर और रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से आगे। ये दो शुरुआती रुझान इंटरेस्टिंग हमारे पास संजीव, इन दोनों सीटों पर आप गए हैं क्योंकि वहां, हाँ, चूंकि मैं था जुलाना में, तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। एक तो यह है कि जाट बहुल सीट है और दूसरी बात यह है कि वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस को प्राप्त कर चुकी हैं। तो जुलाना जो कि पिछले 3 बार से कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, ऐसा लगता है कि जुलाना में एक बड़ी जीत कांग्रेस को तो इस बार हासिल होगी, विनेश फोगाट वहां जीतेंगी। और कैथल देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा क्योंकि सुरजेवाला लगातार पिछले 2 चुनाव हार गए हैं और इतने बड़े नेता हैं लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं निकल रहा था, इस बार उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक ही सीट पर लगातार बने रहे वो, कैथल की सीट पर शुरुआत से अंत तक उन्होंने प्रचार कार्य किया और ऐसा लगता है कि माकूल सफलता उन्हें मिलेगी। वो केदारनाथ भी चले गए थे दर्शन करने के लिए इलेक्शंस के बाद, ऐसा लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद उनको मिल रहा है इस बार। दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है
याद रखिए पोस्टल बैलेट है, लेकिन दुष्यंत चौटाला का पीछे चलना हर कोई मान रहा था, खुद बीजेपी मान रही थी कि इस बार दुष्यंत चौटाला का सफाया होने वाला है, इसीलिए गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले तोड़ दिया था। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला अपनी सीट से पीछे, नायब सिंह सैनी लाडवा से आगे चल रहे हैं। संजीव, नायब सिंह सैनी अपनी सीट निकाल सकते हैं? पहले तो उचाना कला जो है, बहुत आश्चर्य की बात है कि उचाना कला से वो पीछे चल रहे हैं, बावजूद इसके कि जेजेपी खराब करेगी, लोग मानते हैं कि उचाना कला से वो तो जीत ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अगर पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब कि ब्रजेंद्र सिंह जो कि चौधरी वीरेंद्र के लड़के हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर जो कि सांसद थे पीछे बीजेपी के और कांग्रेस अभी ज्वाइन किया था, इसका मतलब वहां पर कांग्रेस का बढ़िया चल रहा है, वही टक्कर में है। और दूसरी आपने किस सीट की बात करी? लाडवा से। लाडवा से एक्सपेक्टेड है कि वो जीतेंगे, चीफ मिनिस्टर कम हारते हैं, हालांकि ये क्लोज मामला रहेगा। ओके, राजीव आपको क्या लग रहा है? नायब सिंह सैनी और नहीं, वो मेवा सिंह वहां ने, वहां जाकर उन्होंने टफ फाइट दी है, वहां राहुल गांधी भी लास्ट के टाइम में गए थे, और इतना आसान लाडवा से नायब सिंह सैनी का जीतना नहीं होगा, वहां टक्कर होगी। और मेवा सिंह जो वहां के वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं, वो अच्छी खासी टक्कर में है। जहां जुलाना की जो बात है, वो जो संजीव जी कह रहे हैं, विनेश फोगाट तो एक तरह से प्रतीक बन गई थी इस बार के चुनाव की, तो उनका अनिल विज भी आगे चल रहे हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आगे चल रहे हैं। देखिए अनिल विज तो अंबाला कैंट में पहली बार ऐसा फंसे थे, इसीलिए बार बार वो कह रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ताकि वहां के लोगों को ये लगे कि सरकार आएगी तो चीफ मिनिस्टर कम से कम सीट निकल जाए। अनिल विज बहुत मुश्किल, और केवल मैं चित्रा सरवारा को अगर कांग्रेस का टिकट मिला होता तो एकदम परिस्थितियां अलग होती। चित्रा सरवारा वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट से ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनको वोट कितना मिलता है, वो कितनी फाइट दे पाती हैं, नहीं तो कांग्रेस और चित्रा सरवारा के लड़ने की वजह से अनिल विज का रास्ता आसान हो सकता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल फाइट में फंसता। ओके, बड़ी खबर, कांग्रेस 42 पर पहुंच गई है 20 मिनट की पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर रुझानों में आगे निकल गई है, बीजेपी 12 पर है, INLD 1। आप जानते ही हैं बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में 46 का है, 90 सीटें हैं, ऐसे में सिर्फ बहुमत से 4 सीटें पीछे, शुरुआती रुझान है सिर्फ पोस्टल बैलेट, अभी ईवीएम की गिनती शुरू नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर देखिए जरा कितनी तेजी से वहां आंकड़ा बदल रहा है, 21 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 15 पर कांग्रेस, 21 और 15 मतलब 36, 90 में से 36 सीटों पर कांग्रेस एनसी गठबंधन आगे, बीजेपी 18 पर आगे, पीडीपी 1 और अदर 6। ये अदर्स कौन कौन से हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन ये देखिए हरियाणा में आंकड़ा और तेजी से अब आगे बढ़ रहा है, 44 सीटों पर कांग्रेस, 12 पर बीजेपी, INLD 1। विजय जी 44 हो गया। देखिए अभी इसको ट्रेंड के तौर पर देख सकते हैं, हाँ। बाकी इसको नतीजों के तौर पर नहीं देख सकते कि क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट पर बातचीत हो रही है, तो इसलिए ये एक ट्रेंड कह सकते हो कि भाई इस तरफ चल रही है हवा, या जो दिशा जिसको शीतल जी कहते हैं कि दिशा उस तरह से मिल रही है। अगर ये प्रोजेक्शन सही रहता है और इसी दिशा में नतीजे जाते हैं और कांग्रेस बीजेपी से 3.5-4 गुना ज्यादा सीटें लेती है तो ये तो बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी 55-60। ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये वन साइडेड इलेक्शन है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसीलिए जेजेपी या और जो दूसरी पार्टी है उनके लिए उतना मौका नहीं दिख रहा। जेजेपी का तो लग ही रहा था कि जीरो होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ हमारे पास राजीव जैसे लोग हैं जो ऑन ग्राउंड एग्जिट पोल है, ऑन ग्राउंड एग्जिट पोल है ना, बाकी एग्जिट पोल में तो कौन कौन कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, तो उनसे सीधा एक माहौल पूछना चाहिए। पूछ किया था मानक जी के साथ प्रोग्राम आखिरी दिन, और मैंने जितने लोगों से पूछा, मानक जी को यहाँ आश्चर्य हो रहा था, हर व्यक्ति जो है वो कांग्रेस की ही बात कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि कांग्रेस वालों ने शायद घेर लिया है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ एग्जिट पोल तो ऐसा लग रहा है कि घेरा नहीं था, एक्चुअल नतीजा यही है। ओके, 45 हो गया कांग्रेस, बीजेपी 15। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं आज, एग्जैक्ट पोल, एग्जिट पोल आ चुका 2 दिन पहले, अब 46 हो गई कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है, बीजेपी सिर्फ 15 पर है, बीजेपी से 3 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ले रही है, 15 पर बीजेपी है तो 3 गुना ज्यादा 45-46 पर कांग्रेस पार्टी घूम रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा अगर शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस छू रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोस्टल बैलेट का रुझान क्या है। शीतल जी, पोस्टल बैलेट में अगर 3 गुना ज्यादा है कांग्रेस, इसका मतलब वो सरकारी अधिकारी, फौजी सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि सरकारी कर्मचारियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति नाराजगी बहुत थी, और वहाँ का सोशल कंपोजिशन ऐसा है कि वो नजर आ रहा है। तो हम लोगों को ये अभी नतीजे इस तरह के दिखेंगे शुरुआत में,
लेकिन जब तक वो नहीं खुलते बक्से तब तक हम लोग अभी इसको देखने के लिए हमें और कोई रास्ता नहीं है, अभी ये बढ़ता जाएगा। ओके, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, डब्बाली से आदित्य चौटाला आगे चल रहे हैं, बड़गांव से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और नगरोटा से देवेंद्र राणा आगे चल रहे हैं। नीचे स्क्रीन पर न्यूज 24 पर कौन आगे कौन पीछे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ये आप देखते रहिए। नौशेरा से रविंद्र राणा बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, वो भी आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इस बार दो सीट से लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताता हूं दूसरी सीट का क्या हाल है। नारनौंद से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु पीछे। सावित्री जिंदल आगे चल रही है हिसार से। सावित्री, आपको लगता है सावित्री जिंदल राजीव सीट निकाल पाएंगी? नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं, सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, वहां से विधायक भी रही हैं और मजबूत चुनाव लड़ेंगी। अब सीट निकाल पाएंगी कि नहीं ये थोड़ा कहना मुश्किल है। देखिए हिसार में बहुत सारी सीटें हैं, जैसे वो सीट है आपकी आदमपुर, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं, वो भजन लाल की फैमिली की सीट है, पता नहीं कितने सालों से है, मुझे लग रहा है 50-60 साल से, 1967 से वो भजन लाल की फैमिली की सीट रही, जब से हरियाणा बना है आदमपुर की हमेशा ही सीट रही है। हरियाणा जब से बना है तब से भजन लाल के परिवार की सीट है और मुझे लगता है कि भव्य बिश्नोई भी चुनाव में बुरी तरह फंस गए। पहली बार भजन लाल की फैमिली उस सीट से आदम, तो सिरसा की ये जो हिसार की सीटें हैं ये सारी सीटें बहुत इंटरेस्टिंग फाइट में। ओके, अब देखिए जैसा मैंने पहले बताया डब्बाली से आदित्य चौटाला आगे चल रहे हैं, INLD के दुष्यंत चौटाला उचाना कला से पीछे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, गढ़ी सांपला किलोई से विनेश थोगाट जुलाना से आगे चल रही हैं, हिसार से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं, सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं। गोपाल कांडा आप जानते ही हैं, बिल्कुल चुनाव के आखिरी दिनों में बीजेपी के साथ आ गए, अब क्या उन्हें फायदा हुआ इसका या फिर इसका बीजेपी को फायदा होने वाला है थोड़ी देर में पता चलेगा। 47 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब 25 मिनट की पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है, बीजेपी 18 पर है, INLD 2 सीटों पर आगे। जैसा पहले माना जा रहा था कि इस बार जेजेपी का सफाया होगा और जेजेपी का जितना जाट वोट था वो सारा कांग्रेस और INLD की तरफ जा सकता है, INLD और BSP का गठबंधन भी हुआ, ऐसे में INLD 2 सीटों पर आगे चल रही है, BSP का क्या हुआ थोड़ी देर में पता चलेगा। 48 हो गई कांग्रेस पार्टी, अब हरियाणा में कांग्रेस 48 बीजेपी 21, थोड़ा सा ग्राउंड तो गेन कर रही है शीतल जी बीजेपी जो, और हम लगातार कह रहे थे बीजेपी बहुत बड़ी हार हारती नहीं है आमतौर पे, नहीं आपको भी लग रहा है कि इतनी बुरी हार नहीं होगी? नहीं, 35% 36% वोट उसके पास सारे सर्वेक्षणों में आया है तो इतना वोट बहुत होता है। वो बीजेपी का जो अपना कोर वोट है जो पिछले चुनाव में भी जो उनके पास था उतना वो बचा पाने में सफल है और वो चुनाव लड़ने की सबसे अच्छी मशीन है अभी तक हम लोगों के पास जो जानकारियां हैं और जो साधन संपन्नता है उनके पास और चीज़ें भी हैं, इस लिहाज से वो अपना वोट जो उनके पास पिछली बार था उतना तो जरूर बरकरार रखेंगे, 1% प्लस भी हो सकता है, तो उससे कुछ सीटें उनको बिल्कुल मिलेंगी और वही रहेंगे रनर अप। लड़ाई भी आमने सामने की है वहाँ, जैसा हम सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ सीटों को छोड़कर ज्यादातर राज्य में लड़ाई आमने सामने है और इस डायरेक्ट फाइट है। हाँ। इस वजह से भी बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट होती या और पार्टियां होती तो शायद उसमें एक बदलाव होता, यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, डायरेक्ट फाइट है, तो जो 35% वोट है उसका असर तो आपको सीधा दिखाई देगा। हरियाणा में एक इंटरेस्टिंग बात और है माने कि जब देवीलाल बहुत वहां प्रभावी थे और जाट वोटों और किसानों और ग्रामीणों में उनकी पकड़ थी तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था यानी गैर जाट जो जितना था भजन लाल जब मुख्यमंत्री बने उस वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी और जाट वोटों को देवीलाल, किसान वोटों को देवीलाल, वो उल्टा हो गया। अब जाट और किसान कांग्रेस के पास चले गए और गैर जाट और दूसरे जो कांग्रेस के पास थे वो बीजेपी के पास चले आए, तो दो फोर्सेज हमेशा हरियाणा में रही, अब अदला बदली हो गई है और देवीलाल की फैमिली साफ हो गई। ओके, दो इंटरेस्टिंग आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती हरियाणा में हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की और आधे घंटे की ईवीएम की, दोनों जगह देखिए क्या दिलचस्प आंकड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस हाफ सेंचुरी के पार, 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आगे, बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल गई है शुरुआती रुझानों में कांग्रेस, बीजेपी सिर्फ 18 पर, INLD 2 पर, जेजेपी का सुपड़ा साफ। जम्मू कश्मीर में देखिए क्या जबरदस्त फाइट हो रही है,
हालांकि कांग्रेस और एनसी बीजेपी से बहुत आगे हैं, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की रेस में खूब टक्कर दे रही है एनसी को। कांग्रेस 20 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस और एनसी का आंकड़ा जोड़ दीजिए तो यह होता है 44, यानी बहुमत के आंकड़े के बहुत नजदीक कांग्रेस और एनसी जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं। पीडीपी की एक सीट जोड़ दीजिए तो हो गया 45। जम्मू कश्मीर में भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है विजय जी, इंडिया गठबंधन पीडीपी को मिलाकर, फिर तो पूरे देश में, हरियाणा में मान लीजिए कांग्रेस आ गई, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन, तो कांग्रेस के और विपक्षी दलों के हौसले एकदम बुलंद होंगे। बिल्कुल जाहिर है, आप तो पहाड़ पर चढ़ ही जाएंगे ना। जब जम्मू कश्मीर में भी इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाएगी तो फिर उनके पहाड़ पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पूरा हौसले बुलंद होंगे। पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ जो है वो आप कह सकते हैं बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा फिर। पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ हो गया, साउथ ऑफ साउथ हो गया। अब आप देखिए हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और दिल्ली हरियाणा भी, दिल्ली भी है ही नहीं आपके पास, तो ये पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, तो बीच में, देश के बीच में बीजेपी रह जाएगी। और बाकी जगहों पर कल मैंने विजय जी से पूछा था, शीतल जी, अपने शो में मैंने कहा नतीजे आने के बाद बीजेपी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो बीजेपी क्या बोलेगी और कांग्रेस क्या बोलेगी, आपके हिसाब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता तो अपने नेता की तारीफ करेंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सब हुआ है और जाहिर है हुआ है हुड्डा की वजह से। हाँ, और वो कहेंगे कि दूसरी बात, मोदी जी पे हमला करेंगे जो कि किसी भी पार्टी को, काउंटडाउन शुरू हो गया है, इस्तीफा दे देना चाहिए और ये सब बोलेंगे। जी जी, ये सब बातों को जोश मिलेगा। और बीजेपी की ओर से जाहिर है मोदी जी को बचा के बाकी चीजों पे बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर पर बात की जाएगी। हाँ, अगर वहां क्लोज फाइट और इस सफलता को जो भी उनकी, ये देखिए लड्डू बटने शुरू हो गए, लड्डू बटने हरियाणा में शुरू हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, 10 साल बाद, जी हाँ, 10 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की। ये एग्जैक्ट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। और देखिए ये एग्जिट पोल के बिल्कुल मुताबिक एग्जैक्ट पोल के नतीजे आ रहे हैं, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 54 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 90 में आगे निकल गई है, 17 पर बीजेपी है, और अभी सिर्फ 74 सीटों के रुझान आए हमारे पास। 74 में से 54 का मतलब आप लगा लीजिए अंदाजा, कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है 60 और 65 के बीच जा रही है। इन शुरुआती रुझानों के मुताबिक अब 8:30 बजे हैं, आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है, अब खुलेंगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बदलेगा, बदल रहा है। देखिए 55 सीटें कांग्रेस, बीजेपी 16, INLD 3 सीटों पर आगे, ऐसा लग रहा है संजीव। 4 सीटें हो सकती है मोटे तौर पर, 4 हो सकती है, और कांग्रेस जो है 55 से कम पर मुझे नहीं लगता कि रुकेगी। ओके, 55 संजीव, ये INLD अगर मान लीजिए 3-4 सीटें ले जाती है, उसमें BSP की आपको लगता है कोई एक सीट होगी कहीं की, कुछ सीट्स पर क्या BSP भी स्ट्रांग है या ये सारी सीटें INLD की सीटें हैं सारी की सारी? तो क्या JJP का ये मान लें कि सारा वोट कांग्रेस के पास नहीं गया, कुछ INLD भी ले गए, अभय चौटाला भी ले गए? देखिए, जब JJP ने बढ़िया किया था लास्ट चुनाव में, उसके पहले वाले चुनाव में 25% वोट INLD का था, 25%, उसमें वो केवल JJP आई, नई पार्टी बनी और ले गई सारी सीटें, उसमें से केवल 15% ही ले पाई थी। उस वक्त भी INLD के पास वोट्स थे। आप इसको देखिए कि INLD हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन अब क्या है कि केवल पॉकेट्स में मजबूत है अब वो, और इसीलिए पॉकेट्स में ही उनकी सीट्स आएंगी। उनकी सीट्स ऐसा नहीं है कि आपको पूरे हरियाणा में आपको दिखाई पड़ेंगी, 1-2-3 जो भी है यही आंकड़ा उनका रहेगा। छोटे दलों पर अगर बीजेपी उम्मीद लगाकर हरियाणा में बैठी थी तो उसे निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि INLD अब एक सीट पर आगे है, JJP 0 है, अदर्स 1 है, यानी छोटी पार्टियां भी बीजेपी को 18 में जोड़ भी लीजिए, 2-4-5 का आंकड़ा तो भी 20-25 के बीच ही रहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले बहुत आगे हरियाणा में निकल गई जैसे एग्जिट पोल कह रहे थे। राजीव, छोटी पार्टियों को अगर कुछ नहीं मिलता, जैसे INLD 1 पर आ गई, अब JJP 0 है, ASP आजाद समाज पार्टी, BSP सब, इसका मतलब जो दलित वोट था चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के इतना प्रचार करने के बाद भी, वो ज्यादा कांग्रेस के पास ही गया? देखिए शीतल जी और विजय जी दोनों लोग सीनियर है, अब तो इलेक्शन बाइपोलर हर जगह हो रहा है, तीसरी शक्ति कहां है बताइए? जब BSP 1 सीट पा सकता, विधानसभा में 1, लोकसभा में 0, यूपी में उससे बड़ी ताकत थर्ड फोर्स क्या हो सकती है? अब तो कहीं भी थर्ड फोर्स दिखाई नहीं देती, 95% सीटें तो आमने सामने टक्कर में बढ़ जाती सारे इलेक्शन में। इस इलेक्शन में भी वही हुआ, और वो हरियाणा के गांव में इस बार में जाता था तो गांव वाले कहते थे, जब मैं ऐसे तो मजाक में कहता है, ईप की BJP को 9 बजे हरा देंगे।
नौ बजे तो हम नौ बजने वाले हैं, तो हम उनसे पूछते थे तो कहते नहीं ईप की नौ बजे, मैंने कहा पीछे तो कहते पीछे ग्यारह बजे तक पता चलता था ईप की बीजेपी को नौ बजे हराएगा, तो हमें ये देख रहा हूँ। अच्छा इंटरेस्टिंग है ये बात यार, उनके बोलने का अंदाज हमेशा बोलने का अंदाज नहीं राजीव, बात में गहराई भी है, यानी सब लोग समझते हैं कि जब ईवीएम खुलती है उसके बाद बहुत तेजी से 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 9 बजे तक सिचुएशन क्लियर हो जाती है। हाँ। यानी वो जानते हैं अगर टफ फाइट होती है तो 10-11 बजे तक क्लियर होता है। हाँ। और वन साइडेड होता है तो 8:30-9 बजे ही क्लियर हो जाता है। तो वही वो कह रहे थे पीछे दो चुनाव में तो 11 बजे तक पता चला, ईप की 9 बजे पता चल जा। ओके 8:30 बज गए, 8:33 न्यूज 24 पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आप लाइव देख रहे हैं टीवी पर, इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर, हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 90 में से 75 सीटों के रुझान आने के बाद 56 सीटों पर आगे चल रही है, बहुमत का आंकड़ा 46 है। बीजेपी के लिए हरियाणा में फिलहाल कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, 17 सीटें हैं सिर्फ बीजेपी के पास रुझानों में, INLD 1 पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना आगे कि बीजेपी INLD सब अदर्स मिलकर भी कहीं कोई टक्कर कांग्रेस के सामने फिलहाल हरियाणा में पेश करते हुए नजर नहीं आ रहे। कौन सीट किस सीट पर कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, ये भी न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। अनिल विज पीछे हो गया अंबाला कैंट से, बीजेपी के पूर्व मंत्री और बड़ा चेहरा अनिल विज, सीएम पद के दावेदार अनिल विज अपनी सीट से अब पीछे हो गए। अनिल विज के अलावा नायब सिंह सैनी आगे हैं, इसके अलावा मुझे नहीं पता बीजेपी के और कितने उम्मीदवार आगे। सीट पर नजर रखनी पड़ेगी मुझे लगता है, लाडवा नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी और अनिल विज दोनों की सीटें अभी बहुत फंसी हुई मुझे तो लगती है, बाकी बहुत तगड़ा मुकाबला है इसका सर, बहुत तगड़ा लाडवा और अंबाला का। मैंने पहले भी तीन सीटों पर हरियाणा के सबसे ज्यादा मजा मतलब मजेदार टफ फाइट होगी, एक होगी जो बड़े नाम है एक अनिल विज की और दूसरी सिरसा गोपाल कांडा की और तीसरी नायब सिंह सैनी लाडवा। सिरसा में इंटरेस्टिंग ये है कि गोकुल सेतिया पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे और 5-6 वोटों से गोपाल कांडा से 5-6 वोटों से। अच्छा हाँ बहुत क्लोज फाइट थी। अच्छा। और गोकुल सेतिया को इस बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी को 10,000 वोट मिले थे मुझे लगता है और बीजेपी को 30,000 सिरसा में मिले थे, बावजूद इसके बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया कि गोपाल कांडा की लड़ाई आसान हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा का घर भी बिल्कुल आमने सामने है, एक का 5 एकड़ में दूसरे का 7 एकड़ में, आमने सामने का घर, आमने सामने के कैंडिडेट, पिछली बार का आमने सामने का मुकाबला। तो सिरसा भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है जानने की, गोपाल कांडा के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, तो बड़ा मजेदार लाडवा अंबाला कैंट और सिरसा। ओके INLD अब 2 पर आगे हो गई है, बीजेपी 21 कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 54 सीटों के साथ बहुत मजबूती से बहुमत के आंकड़े के पार बैठी हुई है। आधे घंटे की काउंटिंग के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलना शुरू हो रही हैं। अब ईवीएम खुलेगी तो देखना यह है कि यह आंकड़ा ऊपर का बदलता है या फिर पोस्टल बैलेट वाला रुझान ही हमको ईवीएम की गिनती में दिखाई देता है। इंतजार करिए लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। और यह देखिए जम्मू कश्मीर और भी दिलचस्प फाइट यहां देखने को मिल रही है। बीजेपी जम्मू रीजन में ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा कर रही है 25 सीटों के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर 21 सीटें जीत रही है इसका मतलब कांग्रेस ने जम्मू में भी अच्छा किया, अच्छा किया। बिल्कुल जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया, इसीलिए 21 पर है क्योंकि कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ज्यादातर सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। NC 26 और कांग्रेस 21, यानी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 47 हो गया यह आंकड़ा, बीजेपी फाइट दे रही है लेकिन सिर्फ जम्मू में फाइट दे पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 हो गया 30, 30 और 25 55, जम्मू कश्मीर में 55 के आंकड़े के साथ ऐसा लग रहा है एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 17 पर आ गई और ये ढोल नगाड़े कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के वो दल जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं इस जीत में शामिल हो सकते हैं, उनमें जश्न शुरू हो गया है, लड्डू बटने शुरू हो गए। अब कांग्रेस 58 पर आ गई है हरियाणा में और ये 55 का आंकड़ा आपको सरप्राइज करता है जम्मू कश्मीर में, और 30 पर है एनसी और कांग्रेस 25 पर, यानी जम्मू भी बीजेपी के हाथ से, जम्मू बीजेपी के हाथ से निकल रहा है क्योंकि यदि कांग्रेस 25 पर आ रही है तो वो जम्मू में बहुत अच्छा किए बिना यहां पर नहीं पहुंच सकती। देखिए मैं पहले भी कह रहा था कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर में एनसी वर्सेस बीजेपी है,
एनसी को वहां पर सरकार बनाने का मौका मिले नहीं मिले इस पर चुनाव हो रहा है, इसलिए वो वहां पर वैली में तो उनका पूरा का पूरा काम होना ही है। जम्मू के लिए आपको याद हो कि उमर अब्दुल्ला साहब ने चार दिन पहले जब इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले कहा था कि राहुल जी आप जम्मू जाइए, वैली को छोड़ दीजिए, तो क्योंकि उनका फोकस था कि कांग्रेस जो है जम्मू में ठीक से कर ले तो बेहतर होगा। और ये बीजेपी के लिए बहुत मतलब बड़े सिरदर्द की बात होगी कि अगर जम्मू में भी वो बहुत अच्छे से जम्मू हार गए, जम्मू कश्मीर चुनाव हार गए, हरियाणा हार गए, जम्मू में लोकसभा में भी कांग्रेस ने बहुत वृद्धि की थी अपने मत, लेकिन सीटें दोनों बीजेपी ने जीती, सीट भले जीती लेकिन बीजेपी के 4 लाख के वोटों से जीतने वाली सीट 1-1 लाख पे आ गई थी। लेकिन तो जम्मू में था कि बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी शायद, जम्मू में करेगी। ओके, हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी को छोड़कर सारे के सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं, बीजेपी की हरियाणा सरकार के सारे मंत्री अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। और बुरी खबर आ रही है बीजेपी के लिए, हरियाणा से सारे मंत्री पीछे, सिर्फ लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए हरियाणा में कैसे कांग्रेस की फिलहाल आंधी चलती हुई शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। ये आंधी नहीं तो और क्या है राजीव, 78 सीटों में से 58 पर कांग्रेस है, अगर अगली 12 सीटों में इसी प्रपोर्शन में कांग्रेस बढ़ती है तो 65 तक चली जाएगी। देखिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनाएगी, अब ये सीटों का ऊपर नीचे कितना होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने पहले दिन कहा था कि 46 से उसकी शुरुआत होगी, अब वो 50 जाए, 52 जाए, 60 जाए, 62 जाए, 65 जाए, ये तो नहीं, 65 बहुत बड़ी जीत होगी, 65 जा भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती है, लेकिन नायब सिंह सैनी भी पीछे हो गए, मेरा इसलिए ये मुख्यमंत्री और सारे मंत्री पीछे बीजेपी के। आपको बार बार कह रहा हूँ कि लाडवा सीट पर आप नहीं बचेगा, लाडवा और अंबाला कैंट दोनों ही इतना आसान नहीं, मेरा मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब तीसरी शक्ति वहाँ है ही नहीं और आमने सामने की टक्कर है और 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का है और उनके मुख्यमंत्रियों की ऐसी कोई अपील नहीं है, एकमात्र बीजेपी के पास उम्मीद नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनके उनकी उनका जो कुछ भी है सिर्फ उसी के बदौलत लड़े वहां के। मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पहले सिटिंग विधायक भी थे या दूसरे कई कैंडिडेट्स दूसरी पार्टियों से जो 6 महीने के भीतर आए उनको टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ जीत है पिछले 2 बार की वो सब नरेंद्र मोदी की वजह से थी, तो इस बार वो फैक्टर भी नहीं चला। एक और इंटरेस्टिंग चीज जरा देखिए, हरियाणा के चुनाव में हर कोई कह रहा था बहुत सारे बागी इस बार बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ बीजेपी के बागी हैं, कुछ कांग्रेस के बागी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है यहां बागी हो तो बागी सारे फुस हो गए, एक सिर्फ गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं इंडिपेंडेंस में, बाकी सबको कांग्रेस ने साफ कर दिया। ऐसा लग रहा है कांग्रेस की आंधी चल रही है हरियाणा में फिलहाल शुरुआती रुझानों में, ऐसा लग रहा है। प्रदीप भंडारी और आशीष दुआ कांग्रेस से मेरे साथ हैं, आशीष आपको क्या लग रहा है दोनों जगह अगर आप जीतते हुए दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, किसकी वजह से हो रहा है? मानक जी अभी आपकी डिस्कशन सुन रहा था, सभी आपके विश्लेषक और राजनीतिक इस बार इन दोनों चुनाव में इन दोनों राज्यों में सबसे पहले मैं प्रदेश की जनता का, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये ट्रेंड जो थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शुरू से ही बहुत क्लियर थे कि हरियाणा में जो डबल इंजन सरकार की नाकामी, उनका बैकफुट पे जाना, जो 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री को अपने बदलना, दूसरे मुख्यमंत्री को, दूसरे फेस को सामने लाना, और ये जो शुरू में आपने देखा कि पिछले 5 साल में लगभग हर वर्ग कर्मचारियों का, चाहे बिजली कर्मचारी तो हो गया हो। आशीष भाई अब आगे की बात करिए, सब हो गया, नहीं, अब विश्लेषण हम कर लेंगे, देखिए ना मेरी बात तो सुनिए, विश्लेषण हम कर लेंगे क्यों कांग्रेस जीत रही है, मुझे ये बताइए जीत किसकी है, ये किसकी वजह से हुई है? देखिए ये जीत इंक्लूसिव और अकाउंटेबल गवर्नेंस का जो मैसेज भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो दिया, और अयोध्या में भी ये देखा गया कि जो फोर्सेस हैं, डिवाइसिव फोर्सेस हैं, उनको भारत की जनता ने नकारा है, और ये जो रीजन है सबसे बड़ा रीजन है कि आप देखेंगे कि हरियाणा में जो 10 साल की डबल इंजन की सरकार का फेलियर, और किसान, जवान, पहलवान तीनों जो मेजर चंक एक हरियाणा का, जो हर घर से एक एक व्यक्ति आता है, ये किसान, जवान, आपको रोक रहा हूं आशीष भाई, एक सेकंड रुकिएगा जरा, कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा से देखिए कितनी अच्छी खबर आ रही है, 82 में से 66 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, 82 में 66,
यह आंकड़ा 70 तक जा सकता है, हो सकता है 70 से भी थोड़ा आगे निकल जाए। अगर 70 से आगे यह आंकड़ा जाता है, 90 में से 70 सीटों का बहुमत, यह तो दो तिहाई से भी ज्यादा बहुमत है। आप अंदाजा लगाइए, दो तिहाई से ज्यादा बहुमत, यह तो प्रचंड जीत है। इतनी बड़ी जीत राजीव, इतनी बड़ी जीत दिल्ली की छोड़ दीजिए या फिर गुजरात और मध्य प्रदेश की बीजेपी की छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी जीत किसी और राज्य में कम से कम कांग्रेस पार्टी की नहीं हुई है, आप अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो। कर्नाटक में भी अच्छी जीत उन्हें मिली थी, कर्नाटक में भी अच्छी मिली थी, नहीं इतनी बड़ी नहीं थी शायद, तेलंगाना में भी वो अच्छी जीत के साथ आए थे। कांग्रेस पार्टी का तो अगर यही वो रहा तो फिर जमीन पर कांग्रेस के नेताओं के आज पैर नहीं पड़ेंगे क्योंकि इतने दिन के सूखे के बाद जो अब ये नतीजे आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है मानक, और सबसे बड़ी बात क्या है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता थे वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, जितने नेता हैं वो जो इंडिया ब्लॉक में है, वो इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में कामयाब नहीं होती है, और जब भी बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने मुकाबला होता है तो कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। तेलंगाना कर्नाटक के बाद अब हरियाणा में और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर हरियाणा में इस तरह की जीत कांग्रेस को मिलेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत मजबूती के साथ अब बात करेगी और महाराष्ट्र पर इसका इंपैक्ट तुरंत दिखाई देगा। बिल्कुल सही, अब देखिए 68 हो गया है कांग्रेस का आंकड़ा हरियाणा में, 84 सीटों के रुझान है हमारे पास, बीजेपी सिर्फ 13 सीटें, सिर्फ 13। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी 40, याद करिए, हाल के लोकसभा में जीती थी 10 में से 5, उसके बाद 13 पर आना बीजेपी का 90 सीटों में से, क्या इशारा करता है। कांग्रेस हो गई 71, 90 में से 71 सीटें अगर कांग्रेस हरियाणा में जीत रही है, कैसी तूफान और सुनामी चल रही है कांग्रेस पार्टी की आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उधर जम्मू कश्मीर में भी देखिए बीजेपी का बुरा हाल हो रहा है, लोग कह रहे थे जम्मू में बीजेपी अच्छा करेगी, फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। 30 और 25 सीटों के साथ एनसी और कांग्रेस सरकार बनाने की रेस में बहुत आगे निकल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 46 होता है बहुमत का आंकड़ा 90 में से, ऐसे में अगर 55 सीटों पर एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आगे हैं तो फिर बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है। अगर 5 विधायक मनोनीत कर भी लेते हैं एलजी और बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 48 भी हो जाता है, तब भी 55 सीटों के साथ एनसी और कांग्रेस को टक्कर देने वाला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखता। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का 71 सीटों पर जाना संजीव, ये तो सुनामी है। देखिए लोकसभा चुनाव में भी जब 5 सीटें आई थी तो उसमें 11% वोट नीचे गया था, दो दे मैनेज टू विन 5 सीट्स लोकसभा में, लेकिन 11% डाउनवर्ड एरो था वोट्स का, यानी कि वो जो डाउनवर्ड स्लाइड, बीजेपी को 46% वोट लोकसभा में मिला था हरियाणा में, हाँ, और उसके पहले वाले में जब वो 10 सीटें जीती थी तो वो 56-57 के आसपास था, तो आप सोचिए 11% घट गई और इसका मतलब वो डाउनवर्ड स्लाइड जो था वो और तेजी से बढ़ता चला, विधानसभा 10% और कम हो गया इस विधानसभा के 2024 के इलेक्शन, वो 35% वोट पर पहुंची है। तो इसका अर्थ ये है बड़ा स्पष्ट कि पिछली बार 19 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिला, लेकिन अब इस बार 35 ही, मतलब करीब करीब बराबर है, लेकिन लोकसभा के चुनाव से देखें तो 11% वोट कम हो रहा है। और सर ऐसी बहुत ऐसे लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है जो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं लेकिन हरियाणा में बीजेपी को कतई नहीं चाहते, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग केंद्र में मोदी जी को चाहते हैं वो भी हरियाणा में बीजेपी को नहीं चाहते। लेकिन इस बार ये हमने देखा कि मोदी जी का भी ग्राफ बहुत गिरा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये जमीन पर ये बात आप है, कह रहे हैं बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है तो मोदी जी का ग्राफ उसी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है तो उसको सिर्फ बीजेपी तक जोड़ा जाए और हार के वक्त नड्डा जी का फोटो लगा दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो जो है वैसे याद करिए वो दोनों एक दूसरे के पहले 14 में मानक शुरुआत हुई थी हरियाणा से ही जीत की, जी जी यस, लोकसभा के बाद हरियाणा से, हरियाणा और महाराष्ट्र, और हरियाणा में 2014 में विजय जी बताएंगे कभी जीती नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। रामविलास शर्मा तो लगातार कोशिश करते रहते थे, इस बार तो खैर उनका टिकट ही कट गया महेंद्रगढ़ से, लेकिन बेचारे अध्यक्ष थे वो हमेशा कोशिश करते थे, कभी 5-6 सीटों से ज्यादा नहीं आता। प्रदीप भंडारी, प्रदीप आप मायूस हो रहे हैं क्या या अभी भी आपको उम्मीद है? प्रदीप बिल्कुल नहीं मानक जी, अगर आप किसी भी इलेक्शंस के नतीजों को उठा के देखेंगे तो मेरे हिसाब से जब तक ईवीएम नहीं खुली है उसके पहले इलेक्शंस कॉल आउट करना विल बी टू अर्ली। अभी ईवीएम शुरू भी नहीं हुई है। मैं आपको दो एग्जांपल्स देना चाहता हूं
जब आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे हुए थे, आप एग्जिट पोल्स देखिए और इनिशियल ट्रेंड्स देखिए, सब कांग्रेस की एक तरफा सरकार बना रहे थे। उसके बाद 11 बजे के बाद आपने देखा कि द ट्रेंड्स कंप्लीटली चेंज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पॉइंट नंबर वन, एक इलेक्शन मैं देना चाहता हूं, बिहार का इलेक्शन अगर आपको 2015 का भी याद होगा, जब हमारे पक्ष में नतीजे नहीं आए थे, जब इनिशियल हाफ में हम लीड कर रहे थे, उसके बाद पोस्ट 12 ओ'क्लॉक नतीजे चेंज हो गए। तो मेरा यह मानना है कि जब तक 50% से ज्यादा बूथ्स काउंट नहीं हो जाए, तो हमें ट्रेंड को स्टेबलाइज करते हुए देखने में कंक्लूजन करना विल बी टू अर्ली। मैं जम्मू कश्मीर में वापस से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लेट सरकार ही बनेगी, और हरियाणा के अंदर जो आप इनिशियल अभी ईवीएम खोलने के पहले जो पोस्टल बैलेट आप दिखा रहे हैं, जब ईवीएम ट्रेंड स्टेबलाइज होगा तो आप देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और प्रदीप, एक सेकंड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट की गिनती 7:30 बजे शुरू हुई है, यानी 7:30 से 8। अब ईवीएम की गिनती जम्मू कश्मीर में 1 घंटे की हो चुकी है, उसके बाद भी आप 17 सीटों पर हैं, और जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस 55 पर हो गए, 30 और 25, पीडीपी 2 और जोड़ लीजिए 57 हो जाता है ये आंकड़ा, अदर 6 है। अब वो चलिए मान लिया आपके साथ चले गए, सारे मैंने जोड़ लिया आपकी तरफ, तब भी आप 23 होते हैं सिर्फ। मानक जी अभी नॉट इवन 10% अगर मैं आपके लॉजिक को आगे लेके जाऊं, क्योंकि मेरे सोर्सेज अभी बता रहे हैं मुझे ग्राउंड से, 10% राउंड्स की भी काउंटिंग नहीं हुई है। सो और जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी जम्मू कश्मीर को इन डिटेल स्टडी किया, उसको पता है कौन सा पोलिंग बूथ, कौन सा ईवीएम कौन से इलाके से खुलता है, दैट डिटरमाइंस अ लॉट ऑन द सीट। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लेट 50% राउंड्स गेट कंप्लीट, 50% राउंड्स के कंप्लीशन के बाद में कोई भी ट्रेंड स्टेबलाइज होगा, वो ट्रेंड को आप कह सकते हैं कि हाँ वो आगे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। okay. जब 10% ठीक है, ठीक है, नहीं हुए, ठीक है, okay. बेसिस पे हमें किसी की सरकार ना बनानी बिल्कुल सही है प्रदीप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है प्रदीप। जैसे इंडिया का जो फैन होता है ना, जब क्रिकेट मैच में वो देख रहा होता है, तो आखिरी बॉल में चाहे 10 रन भी चाहिए हो, तब भी वो सोचता है कि इसे 4 नो बॉल हो जाएंगी, आखिरी बॉल पे छक्का पड़ जाएगा, हम जीत जाएंगे। और आपको हक है, कांग्रेस पार्टी हारती है, उनके प्रवक्ता भी यही कहते हैं थोड़ा और इंतजार, नहीं आपको हक है ये, और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये उम्मीद मत रखिए, बिल्कुल रखिए, क्योंकि संभावना है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं संभावना है, अभी ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है हरियाणा में। अपने दर्शकों के लिए फिर से बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए जरा, कांग्रेस पार्टी 90 में से 70 सीटों के आसपास जीत रही है हरियाणा में, 90 के 90 के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, और 90 में से अगर 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है इस समय हरियाणा में। सारी सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, INLD 2 सीटों पर है, कांग्रेस 68 पर है, बीजेपी, म्यूजिक चलाइए, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, बीजेपी 17 पर, कांग्रेस 68 पर, INLD 2 पर, JJP 0 और अदर्स 3, यानी इंडिपेंडेंट्स ऐसे 3 हैं जो अपनी अपनी सीट निकाल सकते हैं। संजीव, ये इंडिपेंडेंट्स गोपाल कांडा हो सकते हैं, एक गोपाल कांडा, सावित्री जिंदल, एक सावित्री जिंदल, दो और एक किसी को भी रख लीजिए, हाँ। कोई कोई भी बागी कोई हो सकता भी है। एक अचानक से आपको वो दिख गया, ये किस तरफ जा सकते हैं, ये सबके सब जो भी सरकार बनाते हुए दिखेंगे उस तरफ चले जाएंगे। हालांकि ये स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि जिसमें उनके किसी को जरूरत पड़ने जा रही है। बिल्कुल सही, 68 देखिए सारे के सारे, आप सही कहा बिल्कुल राजीव, आपने डरे 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 से एग्जिट पोल थे सारे के सारे, कहा था सब आपने कहा था संजीव, हाँ माफ करिए संजीव, कह रहे थे सारे एग्जिट पोल डरे डरे से हैं, और ऐसा प्रोजेक्शन दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के उस झटके के बाद कि भैया बहुत ज्यादा गलत ना हो जाए, डरे दूध के बिल्कुल डरे हुए थे, गैप बहुत दिया सबने, ज्यादा ज्यादा बड़ा गैप, गैप इतना दिया कि गलती की गुंजाइश बढ़ा दी इस बार, सही कह रहे हैं। और इसीलिए देखिए 50, 55, 60 तक जा रहे थे एग्जिट पोल, जबकि नतीजा बता रहे हैं 68। अगर 70 सीटें कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत रही है, और यहां भी देखिए जम्मू कश्मीर में, देखिए जम्मू कश्मीर इंप्रूव हुआ है, 2005 जम्मू कश्मीर इंप्रूव हुआ है, देखिए 2007 ओके, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी जीत तो मुझे याद नहीं पड़ती। शीतल जी, और कोई जीत कांग्रेस पार्टी की? नहीं, नहीं, तेलंगाना, अब सही याद दिलाया, तेलंगाना में अच्छी जीत थी जी, जी। उसके अलावा हिमाचल बहुत क्लोज जीत थी, हाँ, लेकिन अब इधर ये होने लगा है, कई राज्यों से संकेत हो गए, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, कि कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में भी बीजेपी को हरा रही है। ओके, और ये पहले मुश्किल लग रहा था, पहले ये लग रहा था कि आमने
जब 67 सीटें आई थी तो भजन लाल का चेहरा कांग्रेस की तरफ से था, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने का नाम आया तो दीपेंद्र हुड्डा हो गए, उसी तरह भूपेंद्र हुड्डा हो गए, और उसी तरह अगर इस बार भी उतनी सीटें आ जाए तो जो पहले से चेहरा भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का चल रहा है, मुख्यमंत्री कहीं और ना कोई बन जाए। नहीं राजीव, आज आज अभी लड्डू बट रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले ऋषिकेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर है, आपको वहीं ले चलता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों से ऋषिकेश बात कर रहे थे, सबके सब कह रहे थे हुड्डा जी बनेंगे, जबकि उनके घर के बाहर सारे पोस्टर देखिए, होर्डिंग देखिए, उनमें दीपेंद्र हुड्डा बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हुड्डा जी के समर्थकों से जरा फिर से बात करिए ऋषिकेश, और पूछिए उनका रिएक्शन, और अब पूछिए सीएम कौन बनेगा। 72 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गया ऋषिकेश, 90 में से 72। मानक जी देखिए, मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर भी लोग न्यूज 24 देख रहे हैं मोबाइल पे, चूंकि टीवी की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे जो समर्थक हैं उनके वो हमारे ही चैनल को देख रहे हैं। उनको लगता है कि शुरू से जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाया है वो एग्जैक्ट पोल के नतीजे के काफ़ी नज़दीक है। तो अब ये बताइए कि बहुमत की तरफ दिख रही है पार्टी, तो मुख्यमंत्री फिर कौन होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? लोग कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे मुख्यमंत्री। अगर आप ये क्वेश्चन बार बार उठा रहे हो, एक बार मोदी जी से पूछिए 1.5 साल के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, उनसे भी पूछिए जाके। राहुल गांधी जी होंगे प्रधानमंत्री, और बताओ कि मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री चौधरी साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर, उसमें नेतृत्व में सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यो हरियाणा प्रधान है, यो एमपी साहब ने पहले बता दिया था, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार आ रही है। जो हरियाणा भाईचारे को छत्तीस बरादरी को बांटने की राजनीति करते थे ना, उनके लिए करारा तमाचा है कि हरियाणा प्रधान है, और यही लहर पूरे देश में जाएगी। आगे दिल्ली का इलेक्शन है, आपको पूरे देश में असर दिखेगा। मानक जी मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, का आवास है, घर है अंदर, काफी पुराना घर है, और यहाँ पे देखिए कि काफी पुराना घर है, और जहाँ तक लोग पटे पड़े हैं, इनके समर्थक देख लीजिए, बिल्कुल छोटा सा आप कहिए कि एक छोटा सा गैलरी, और यही पे लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। आप लोग मुख्यमंत्री अब तो रुझानों में बहुमत के करीब ज्यादा दिख रही है, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। हुड्डा साहब, आप न्यूज 24 देख रहे हैं? न्यूज 24 देख रहे हैं, आपको देखिए 73 पे कांग्रेस है। जहाँ भी मानक जी जिसके हाथ भी मोबाइल देखिए, वो सब लोग न्यूज 24 देखते हैं। इनको लगता है कि एग्जैक्ट नतीजों के काफी हम लोग करीब होते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग दिखाते हैं। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, लोग कि पूछ रहे थे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने और फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाए? नहीं नहीं, पूरे 5 साल के लिए सीएम। ओके ऋषिकेश, लौटूंगा आपके पास। ऋषिकेश, बड़ी दिलचस्प बातचीत होती है जब भी हरियाणा में आम लोगों से हमारे रिपोर्टर बातचीत करते हैं, क्योंकि खुलकर अपने दिल की बात कहते हैं हरियाणा के लोग, खुलकर, कुछ नहीं सोचते कैमरा ऑन हो या ऑफ हो। बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरा ऑन होने के बाद, कम बोलते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जाने जाते हैं बेबाकी से अपनी बातचीत करने के लिए। और जैसे आपने अभी सुना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब कांग्रेस के हुड्डा जी के समर्थकों ने यह ऐलान करना